एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, उसकी फाइनल एग्जामिनेशन डेट्स बाहर आ चुकी हैं। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। आप टेलीग्राम और फेसबुक पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, कि क्या आपको जानना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी पूछोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स सी कि एग्जामिनेशन की डेट्स क्या क्या आउट हुई हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई थी वो 15 जनवरी तक शुरू हुई थी, ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो है 15th of Feb, लास्ट डेट है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है आपको लास्ट डे पे फॉर्म नहीं फिल करना है, एग्जामिनेशन से बहुत पहले आपको, लास्ट डे से बहुत पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, ताकि साइट इश्यूज, पेमेंट इश्यूज, ऐसा कुछ भी आपको फेस नहीं करना पड़े। एडमिट कार्ड की ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन वो मंथ ऑफ मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा, मार्च में आपका एडमिट कार्ड बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ESIC UDC। जैसा कि मैंने बताया था कि तीन अलग अलग पोस्ट है, UDC, MTS और स्टेनो, ठीक है। तो हम ये सारी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे अभी। तो UDC के बारे में जो बात करेंगे, उसका फेज़ वन एग्जामिनेशन जो होना है वो 19th मार्च को होगा। चार शिफ्ट है इसमें, ठीक है। आपका कौन सा शिफ्ट में पड़ेगा ये एडमिट कार्ड जब मार्च में आएगा तब आपको पता चलेगा। तैयारी शुरू कर दीजिए, मार्च में बहुत टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास अब 2 months बचे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद आपका जो फेज टू है, जो फेज वन क्लियर कर रहा होगा वो फेज टू देगा 30 अप्रैल को। तो यहाँ से इधर आप देखो तो 1.5 months अप्रॉक्स मिलते हैं, पूरे 1.5 months भी नहीं। तो आपको मेंस के लिए भी अभी से ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। MTS की बात करें तो MTS आपका 26th मार्च को है, और जैसा ये आपको बताया था मैंने, UDC, MTS, स्टेनो, आप तीनों अलग अलग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उनके लिए 3 बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो 26 मार्च को आपका ये एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फेज वन एग्जाम डेट MTS की एक और है, वो है 30th अप्रैल। मतलब यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि MTS में लोग ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं, तो MTS में उम्मीद है कि 2 दिन पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ESIC स्टेनोग्राफ का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 20th मार्च को होगा, ठीक है। तो समझ लो आपका पहला एग्जामिनेशन UDC का है, फिर स्टेनो का है, उसके बाद MTS का है। ये फाइनल एग्जामिनेशन डेट्स आउट आ चुकी हैं, और अगर इसमें कुछ और एग्जामिनेशन और फेज की बात होगी तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। लेट्स यहाँ पे एक्चुअली फेज टू है, सॉरी, ठीक है, ये फेज टू है 30th अप्रैल को। 30th अप्रैल को दोनों का ही फेज टू होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, जो मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता रखा है, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपका जो फेज वन में पैटर्न होने वाला है वो है जनरल रीजनिंग क्वेश्चंस 25 मार्क्स, 50 जनरल अवेयरनेस, 25 50 क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, 25 50 इंग्लिश, 25 50। अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो मैंने पहले बताया है SSC का है। लेवल आपका जो होगा वो बैंकिंग लेवल का होगा, वो भी क्लर्क लेवल पे, ठीक। तो पेपर थोड़ा इजी होगा, इसलिए कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फेज टू की। फेज टू का जो एग्जामिनेशन है वो भी करीब करीब सिमिलर है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो जाते हैं, मार्क्स 50 रहते हैं। वहाँ पे 25 था, 50 मार्क्स था। यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस में फिर 50 क्वेश्चंस, मार्क्स 50, एप्टीट्यूड में 50 50 एंड इंग्लिश में 50 50। ओवरऑल आपका टाइम यहाँ पे बढ़ जाएगा, वहाँ पे आपको प्री में 1 आवर मिल रहा था, यहाँ पे आपको 2 आवर्स मिलेंगे। पेपर का लेवल थोड़ा सा उससे टफ होगा, ठीक है। अब जब टफ होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ PO के लेवल पे होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देखो जनरल अवेयरनेस है तो ये आपका SSC के लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, आपको उस लेवल पे तैयारी करनी है। इसके सिवा अगर आपको कोई और इशू है एग्जामिनेशन के फेज थ्री में क्या करना है, फेज थ्री क्या होगा एग्जामिनेशन का, तो वो है कि जहाँ पे आपको अलग अलग में आपको कंप्यूटर एग्जामिनेशन देना है। कंप्यूटर एग्जामिनेशन में क्या देना है, प्रिपरेशन ऑफ 2 स्लाइड्स, पावर पॉइंट पे आपको 2 स्लाइड बनानी होगी, 10 मार्क्स का होगा ये। मैंने पहले भी कहा था ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये मैं अभी लेक्चर इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि वो कोविड से परेशान है और ये सारी सिचुएशन चल रही है, तो ये इसलिए अभी ये चीज़ शुरू नहीं की गई है। दूसरा होगा टाइपिंग का, और वो MS Word पे होगा। आपको एक फॉर्मेट दिया होगा, वो आपको टाइप करना होगा हू बहू, वो होगा 20 मार्क्स का। और आपको एक टेबल बनानी होगी,
जैसा आपको बताएंगे वो एक्सेल में। तो मतलब कुल मिला के आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल, ये तीन चीज़ आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का बेसिक मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप ही करनी होगी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये करने के लिए मोबाइल इनफ है, मोबाइल पे नहीं हो पाएगा। अगर जो मोबाइल पे करना चाहता है वो ऐप इंस्टॉल कर ले, बेसिक फीचर समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर पे दूसरे तरीके से थोड़ा सा दिखता है, समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी सेंटर पे जाओ या फिर आप किसी कैफ़े पे जाओ जहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सको। 4-5 बार आप करोगे तो हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है 7 डेज से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में नहीं लगेगी, बहुत ईजी पार्ट है। इसलिए बाकी सेक्शंस पहले मजबूत करिए, इन सेक्शंस में हम कवर करेंगे सारी चीज़ें। इसके सिवा आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।